हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का आज के करंट अफेयर्स में वेलकम करती हूँ। तो हम लोग करेंगे 24 और 25 जुलाई की करंट अफेयर्स। 24 जुलाई की करंट अफेयर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, इसलिए मैं आज 25 जुलाई को दोनों एक साथ लेकर आई हूँ। तो ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSC, CGL, बैंक, MPPSC, UPPSC और अदर स्टेट के PCS एग्ज़ाम, रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए। तो ये डेली के डेली आप लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप अवेयर रहेंगे कि देश और दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स में नया हो रहा है। इसके अलावा एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, जहाँ पर UPPSC, UPSC मेंस की सीरीज़ चलाई जा रही है, GS पेपर 1, 2, 3, 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। तो पूर्वोत्तर आपको पता होगा कि असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो ये हो गई है 2023 तक सभी राज्यों को रेल से जोड़ने की घोषणा 2023 तक। इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, रेल मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं और रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS निदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था। तो ये एक क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया है। जर्मन ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट में 19 मैच खेले हैं, जिसमें 50 कैच लेने के साथ साथ 400 रन बनाए हैं। तो आप ये याद रखेंगे, बैरी जर्मन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो ये किया है भारत के साथ। भारत ने सेशेल्स, मालदीप, मॉरिशस, कोमोरस देशों की चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया है। तो ये याद रखेंगे नाम ऑपरेशन का, सागर। चलिए मालदीप की बात करते हैं, तो मालदीप की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीप रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है PNB बैंक ने। चलिए एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। तो COVID-19 को रोकने से फैलने के लिए पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है PNB बैंक द्वारा, जिसकी स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1894 में। ऑलमोस्ट ये पहला भारतीय बैंक कहा जा सकता है इसे, और मुख्यालय नई दिल्ली में है, MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह ने लिखी है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तो उधम सिंह के इसमें कई पहलुओं का वर्णन किया है और आपने आज की थंबनेल में भी इन्हीं का पिक्चर देखी है। तो ये जो बलदेव सिंह है, इन्होंने जो बुक लिखी है, इस ये उधम सिंह पे रिलेटेड है, उधम सिंह के ऊपर लिखी है इन्होंने, और इस पुस्तक को यूनिस्टार्स ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये एक उपन्यासकार थे। अब देख लेते हैं कि ये उपन्यासकार थे, और इनका सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यास है अल्टीमास ट्रेडर्स ऑन टेरेसा 1965 में जो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। जापान, नेपाल, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसमें कतर। फीफा जो पूरे विश्व में फुटबॉल खेलों को फीफा रेगुलेट करता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच POSIX पॉसिंग जिसे कहा जाता है एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो एक्सरसाइज बहुत याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, और ये COVID-19 के बीच शुरू हुई है, इसलिए आप जरूर याद रखेंगे इसे। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। इस एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ है, और अमेरिका USA की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। राजधानी है Washington DC, मुद्रा है इसकी अमेरिकी डॉलर, और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर के साथ वे कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट मोदी के बारे में है और ये 1, 2, 3 पोजीशन के बारे में, इसलिए मैंने आपको दिया। तो ये पहुंचे हैं 3rd स्थान पे। पहले स्थान पे हैं बराक ओबामा अमेरिका के, और दूसरे स्थान पे डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, और बहुत ही गर्व की बात है कि 3rd स्थान पे भारत के नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो जोरम नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मिजोरम में हुआ होगा। जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरम थंगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के अजय लांबा। लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं। नेशनल पार्क की यहाँ बात करें तो माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल 8 दिनों के भीतर कुल संपत्ति में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने के कारण मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ये भी भारत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये बन गए हैं 5वें सबसे अमीर शख्स, जबकि कुछ दिनों पहले वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स बने थे लेकिन 185.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस पहले स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने के साथ कौन सी एक्ट्रेस इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस बन गई है। तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। प्रभास के साथ आने वाली फिल्म के लिए 20 करोड़ रकम लेने के साथ दीपिका पादुकोण इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली एक्ट्रेस बन गई है। ये फिल्म 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल समय में कितने मीटर रेस को रिकॉर्ड 4 मिनट में पूरा करने वाले अमेरिके के जिम रियून को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये है 1600 मीटर की रेस इन्होंने कंप्लीट की है। लगभग 56 वर्ष के 1964 में अपने स्कूल समय में 1600 मीटर की रेस को इन्होंने 4 मिनट में पूरा कर लिया था और ये अमेरिका के पूर्व भावक हैं जिम रियून, जो इस समय 73 इयर्स के हैं। इनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की है। 3 बार के ओलंपियन रियून कांग्रेस की ओर से 10 साल से सांसद भी रह चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के किस शहर में पहला ई चार्जिंग प्लाजा शुरू किया है। तो ये किया है दिल्ली में। एनडीएमसी के साथ मिलकर ईएसएल ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग जो प्लाजा है वो शुरू किया है, स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की गई है। तो ये है चीन के साथ। भारत के बाद जापान ने भी चीन को झटका देते हुए चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। जापान की सरकार ने कहा है कि प्रक्रिया में होने वाला सारा खर्च सरकार देगी, जबकि पहले ही भारत ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, तो ये रहा है 129 पोजीशन पे। जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129 रैंक हासिल हुई है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड है 24.67 Mbps, जबकि अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी कितनी स्ट्रीमों में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। तो ये दिया है 10 स्ट्रीमों में। ये सभी 10 स्ट्रीमें आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, एजुकेशनल कॉर्प, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और अन्य हैं। ये जो 10 स्ट्रीमें हैं ये जो मैंने बताई ये निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये है सिंगापुर देश की नर्स।
सिंगापुर देश में कोरोना के समय के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स हैं कला नारायण सामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे उन 5 नर्सों में शामिल हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? तो करेक्ट आंसर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में AGR के लिए 15 साल का समय मांगा था, तो इसलिए ये रिफंड देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने पेंशन देने वाली मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो मधुबाबू पेंशन योजना आप लोग को पहले भी मैं करंट अफेयर में करा चुकी हूँ, ये है उड़ीसा सरकार की योजना। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में पेंशन देने वाली मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिससे लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में विश्वनाथन को किस खिलाड़ी ने हराया? तो मैगर्सन कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हरा दिया है, और इन्होंने आनंद को 1.5-2.5 से हराया। इस टूर्नामेंट को $150,000 की इनाम राशि है। और मैगनस कार्लसन की बात करें तो ये नॉर्वे के वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना 93-1 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत 93-1 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है। इस 6 पहियों वाला ये रॉकेट है इसमें, और इसे हेनियान से लॉन्च किया गया। 93 शब्द का अर्थ है स्वर्ग से सवाल पूछना। तो आज के करंट यहीं खत्म होते हैं। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।